आज का हमारा टॉपिक है वर्ड स्टैंड क्या स्टैंड वर्ड जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में भी इसका सिर्फ एक ही मतलब आता है कि खड़े रहना या फिर आप सोचते हो कि स्टैंड से कुछ और भी मतलब बन सकता है क्या आपने अभी तक स्टैंड हेयर स्टैंड देयर क्या ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए हैं या आपको कुछ और भी लगता है कि स्टैंड से बन सकता है और आज के वीडियो में आप जानोगे स्टैंड से जुड़े हुए मोर देन ट्वेंटी मीनिंग्स और उनके सेंटेंसेस जी हा गाइस मोर देन ट्वेंटी तो भैया सबसे पहले तो स्टैंड का मतलब खड़ा रहना या खड़ा होना ही होता है यानी कि अपने दो पैरों पर पे खड़ा रहना जैसे कि सेंटेंस है यहाँ ठंड में बाहर खड़े मत रहो आउट चेयर इन द कोल्ड डोंट स्टैंड आउट हेयर इन द कोल्ड नेक्स्ट वन इज स्थिर खड़े रहो और चुप रहो स्थिर खड़े रहो मतलब हिलो मत बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं स्टैंड स्टिल एंड बी क्वाइट स्टैंड स्टिल एंड बी क्वाइट दुकान में काम करने वाले जो सहायक होते हैं उनको दिन भर खड़े रहना पड़ता है शॉप असिस्टेंट्स हैव टू स्टैंड अप ऑल डे शॉप असिस्टेंट्स हैव टू स्टैंड अप ऑल डे अब स्टैंड का दूसरा मतलब होता है कि जब आप बैठे हुए हो किसी के सम्मान में आप खड़े होते हो खड़े हो जाना जैसे कि जब मैं अंदर गया तो वे सब खड़े हो गए वैन आई वॉकड इन दे ऑल स्टूड अप वैन आई वॉकड इन दे ऑल स्टूड अप अब स्टैंड का अगला जो मीनिंग है वो है पीछे हटना सेंटेंस है मैं पीछे हट गया कि वह निकल जाए आई स्टूड बैक टू लेट हर पास आई स्टूड बैक टू लेट हर पास पीछे हटो स्टैंड बैक प्लीज स्टैंड बैक प्लीज नेक्स्ट इसका मीनिंग होता है स्थित होना स्थित होना मतलब किसी चीज के ऊपर पड़े होना या खड़े होना मेज पर एक लैंप था अ लैंप स्टूड ऑन द टेबल अ लैंप अटूड ऑन द टेबल रेलवे स्टेशन के पास एक होटल था नियर द रेलवे स्टेशन अ होटल नियर द रेलवे स्टेशन टू द होटेल नेक्स्ट मीनिंग जो है वो है खाली रहना कोई चीज़ काफ़ी देर से खाली पड़ी हो तो सालों से घर सूना पड़ा था द हाउस टुड एम टी फोर ईयर्स द हाउस टुड एम टी फोर ईयर्स खड़ा करना जैसे कि टेबल पर बोतलें वहीं रख दो स्टैंड द बोटल्स ऑन द टेबल ओवर देयर स्टैंड द बोटल्स ऑन द टेबल ओवो देअ चित्रों को दीवार के सहारे खड़ा कर दें स्टैंड द पेंटिंग्स अगेंस्ट द वॉल स्टैंड द पेंटिंग्स अगेंस्ट द वॉल अब नेक्स्ट जो मीनिंग है इसका वो होता है सहन करना या बर्दाश्त करना सेंटेंस है मैं दर्द सहन नहीं कर सका आई कुडंट स्टैंड द पेन आई कुडंट स्टैंड द पेन मैं आपकी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता आई कैन स्टैंड योर वॉइस आई कैन स्टैंड योर वॉइस मैं अपने बॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकता आई cannot स्टैंड माई बॉस आई cannot स्टैंड माई बॉस मैं किसी की बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता आई विल स्टैंड नो नॉन सेंस फ्रॉम एनी वन आई विल स्टैंड नो नॉन सेंस फ्रॉम एनी वन स्टैंड का अगला जो मीनिंग होता है वो होता है स्टेडियम की सीट दर्शक दीर्घा में गई द बॉल वॉज हिट इन टू द बॉल वॉज हिट इन टू द स्टैंड इसका नेक्स्ट मीनिंग है कूले में छोटी दुकान मतलब जिसके ऊपर कोई नहीं होती जस्ट लाइक दैट पिक्चर वे है मॉल के बाहर अखबार बेचता है ही रनजन न्यूज पेपर स्टैंड आउटसाइड द मॉल ही रनज न्यूज पेपर स्टैंड आउटसाइड द मॉल अड्डे को भी हम बोलते हैं स्टैंड जैसे कि बस अड्डा कहाँ पे है वेयर इज़ द बस स्टैंड वेयर इज़ द बस स्टैंड अपनी बात पे बने रहना या किसी चीज़ के ऊपर कायम रहना उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे स्टैंड मेरा प्रस्ताव अभी भी कायम है माई ऑफर स्टिल स्टैंड माई ऑफर स्टिल स्टैंड अपनी बात पर कायम रहना मुकर मत जाना स्टैंड बाई योर वर्ड्स स्टैंड बाई योर वर्ड्स चुनाव में खड़े होने को भी हम दर्शाते हैं स्टैंड से वह इस बार चुनाव में खड़ा होगा ही विल स्टैंड इन इलेक्शन दिस टाइम ही विल स्टैंड इन इलेक्शन दिस टाइम जब आप कुछ नहीं बोलते हो चुपचाप खड़े होकर देखते हो तमाशा उसको भी बोलते हैं स्टैंड तुम चुपचाप खड़े रहे देखते रहे यू जस्ट टूड बाई एंड वॉच यू जस्ट टूड बाई एंड वॉच किसी निर्णय पे आने को भी हम बोलते हैं स्टैंड से तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा You have to take a stand for yourself. You have to take a stand for yourself. अपने लिए खड़े होने से मत डरो. Don't be afraid to stand up for yourself. Don't be afraid to stand up for yourself. Stand का अगला meaning होता है ठहरा हुआ. जैसे कि कोई चीज़ रुकी हुई है. नदी का पानी ठहरा हुआ है. The river water is standing. The river water is standing. नेक्स्ट जो मीनिंग है स्टैंड का वो है पर होना पर होना का मतलब है जैसे कि इन्फ्लेशन रेट आप कहना चाहते हो कि मुद्रास्फीति वर्तमान में चार प्रतिशत पर है इन्फ्लेशन करेंटली स्टैंड एट फोर परसेंट इन्फ्लेशन करेंटली स्टैंड एट फोर परसेंट एक इनफॉर्मल वे से भी हम बोल सकते हैं स्टैंड को कि, कि किसी को कुछ खाने के लिए खरीद के देना जैसे आपने अपने फ्रेंड से बोला है तो आप बोल सकते हो कि क्या आप मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले दोगे कुड यू स्टैंड मी अ सॉफ्ट ड्रिंक कुड यू स्टैंड मी अ सॉफ्ट ड्रिंक नेक्स्ट जो स्टैंड का मीनिंग है वो है साथ देना वादा करो कि तुम मेरा साथ दोगे प्रोमिस दैट यू विल स्टैंड बाई मी प्रोमिस दैट यू विल स्टैंड बाई मी नेक्स्ट स्टैंड का मतलब होता है कटघरा सेंटेंस है कटघरे में आइए कम टू द विटनेस स्टैंड कम टू द विटनेस स्टैंड स्टैंड का एक और मीनिंग होता है कि कोई फर्नीचर मैगजीन स्टैंड पेन स्टैंड क्लोथ स्टैंड जहाँ पे भी आप कपड़े सुखाते हो या फिर कोई स्टैंड। तो थाना वीडियो मजेदार जाते जाते लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए वीडियो को मैं फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट ईयर में अपने एक नए वीडियो के साथ न्यू ईयर एंड बाय बाय